मेरे प्रियो, आज एक खास दिन है, मालूम है, मदर्स डे। जी हाँ, विश्व भर में इसको मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। हम अपने माता को परमेश्वर दिए हैं, इसलिए प्रभु को हमें स्तुति करना है। यदि आपकी माँ आपका साथ है, प्रभु को आपको स्तुति कीजिएगा। अगर माँ नहीं है तो परमेश्वर को माँ जो दिए है ना, अच्छी माँ दिए, इसलिए परमेश्वर को आपको दिल से धन्यवाद देना है। आज मैं जीवित है तो मेरी माँ की प्रार्थना है, इसलिए मेरी माँ को याद करके मैं हमेशा परमेश्वर को उस बातों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं 14 उम्र में मृत्यु की दशा में मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मेरी माँ ने एक मेरे दोस्त को बुलाई थी। मेरी माँ बुलाने के चलते उस व्यक्ति ने जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना करने के वक्त सारे लोग आंखों खोल के देखे, मैं भी आंख खोल के देख रहा था, लेकिन मेरी माँ आंसू के साथ वो प्रार्थना करने लगी थी। यीशु करके जब उन्होंने बुलाई, उनकी प्रार्थना के प्रतिफल के रूप में परमेश्वर मुझे चंगाई क्यों दिया। जब कभी मैं सेवा में निराश हो जाते हैं, वो मुझको बहुत हिम्मत देती है और मेरे लिए हमेशा वो दुआ करती थी। जब कभी मैं निराश में होने से वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। जब कभी मैं विदेश की सेवा में जाने के वक्त मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी भी ऐसे वो नहीं कहती थी। वो सिर्फ इतना ही कहती थी, तुम सुरक्षा के साथ सेवा को अंत करके यहाँ पर तू लौटना है। ये माँ की प्रेम है, किसी भी मतलब के बिना वो प्रेम करती है। वैसे ही यीशु हमसे वो प्रेम करता है। वचन में कहते हैं, माँ के समान यीशु हमें तसल्ली देता है। सेवकाय के दौरान जब कभी मैं निराश हो के बोझ में जब बैठ के दुआ करते हैं, उस वक्त परमेश्वर के हाथ मुझे थामता है और परमेश्वर यीशु मुझसे बातें करता है। हे मेरे बेटे, मत रो, मैं तुम्हारे संग रहता हूँ, ऐसे कह के परमेश्वर मुझको तसल्ली देता है और हिम्मत को देता है। जब कभी आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की और उनकी प्रेम की, उनकी सामर्थ्य को आप महसूस किए होंगे। वचन में प्रभु कहता है, जब माँ के समान वो हमें तसल्ली देता है। यशायाह नबी की 66 अध्याय में परमेश्वर कहता है, एक माँ के समान वो हमें तसल्ली देने वाला प्रभु है। और परमेश्वर कहता है, मेरा बेटा तू नहीं रोना है, मेरी बेटी तू नहीं रोना है। एक माँ के समान परमेश्वर यीशु हमें तसल्ली देता है, इसलिए हमारे सारे चिंता को दूर करके परमेश्वर से कहना है। तो प्रभु कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी तू कभी भी चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे संग हूँ। तो परमेश्वर से उस सामर्थ्य को, उसके तसल्ली को प्राप्त करना है। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु जी, जो प्रार्थना करते हैं, ये बेटा एक बेटी जो है तसल्ली के लिए, सामर्थ्य के लिए, अपने प्रभु जी आपके पास आके वो विनती करते हैं, परमेश्वर आज ही उस घायल मनों को तू ठीक करना है। परमेश्वर, जिसके मन में दुख है, उसके दुखों को दूर करके प्रभु आज ही प्रभु उनके मन में शांति और तसल्ली को देने के लिए प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।